just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna Hey guys, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमारे पास है Realme का Narzo 50। अगर आप इस फोन के अंदर डॉल एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं, क्लोन ऐप करना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन का, तो कैसे करेंगे यही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, अपनी फोन की सेटिंग सबसे पहले ओपन करनी है। फिर आपको यहाँ कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ से हल्का सा पहले इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करके फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, तो सिंपल आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आपको देखने को मिल जाता है ऐप लोनर, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे वही एप्लीकेशन शो होंगे जिनका आप इस फोन के अंदर क्लोन ऐप बना सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं 3 एप्लीकेशन आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। आपका फर्स्ट है Amazon, Facebook एंड Snapchat। तो इनमें से किसी एप्लीकेशन आपको क्लोन ऐप बनाना है तो यहां पर इस तरीके से क्लिक कीजिए और यहां आपको इस तरीके से क्लिक करना होता है। अब फ्रेंड्स आपको एक और अमेजिंग फीचर देखने को मिल जाता है इस फोन के अंदर, जिसके आपको Snapchat है, ये आपका Snapchat से आपको देखने को मिलता है। क्लोन होने के बाद आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, अपने नाम से भी Snapchat को आप लगा सकते हैं। तो चलिए ये आप कैसे करेंगे, पहले तो इसको क्लोन होने दीजिए, फिर आपको यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीनेम करने का। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है रीनेम ऐप क्लोन, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिए इसको इस तरीके से। नाम डालने के बाद आप जब डेस्कटॉप पे जाएंगे तो आपके नाम से ही देखने को मिल जाएगा आपका स्नैपचैट। तो अभी देख सकते हैं स्नैपचैट नाम से ये रहा और हमने जो अपने नाम से क्रिएट किया था वो हमें ऊपर की ओर देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस फोन में डॉल एप्लीकेशन को बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।